मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 20 मई को कवर्धा के पास एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 19 आदिवासियों के दशगात्र अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिकअप हादसे में दिवंगत हुए लोगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पीड़ित परिवार के लोग भावुक हो उठे और एक एक कर अपने दुख को साझा किया। सीएम साय ने भी परिजनों से बातचीत कर उन्हें संबल प्रदान किया और कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। सरकार की तरफ से हमने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जो जल्द ही आप लोगों को दे दी जाएगी। ये अच्छी बात है कि पंडरिया विधायक ने मृतक परिवार के छोटे बच्चों के पढ़ाई का जिम्मा लिया है। मृतक जितने भी थे सब आदिवासी परिवार से हैं और सब पिकअप में तेंदुपत्ता तोड़ के वापस आ रहे थे और गाड़ी पलट गई और 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 महिलाएं और 2 पुरुष। तो जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी आए और अधिकारीगण भी आए और जो भी सहयोग हो सकता था वो सब किए और आज उनका दशकर्म का कार्यक्रम यहां पर था। तो हम सब लोग, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे सांसद विधायक सब यहां पर आए हैं इनके दुख में सहभागी बनने के लिए और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और सरकार इस दुख की घड़ी में मृतक परिवार के साथ में है और उनकी जान का कीमत तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सरकार से 5-5 लाख रुपए की घोषणा किए हैं और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा यहां की विधायक श्रीमती भावना बोहरा भी ली हैं। तो इस तरह से मृतक परिवार के साथ हम सभी लोग, पूरी सरकार उनके साथ में है और उनके साथ जो अच्छा से अच्छा होगा हम लोग करेंगे। देखिए, सही तो नहीं है, लेकिन मैं भी गांव का रहने वाला हूं और गांव में समस्या क्या होती हम भी जानते हैं। अब गांव में सबसे सस्ता पिकअप ही मिलता है और पान तोड़ने वाले हैं, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं, वो कोई बोलेरो और कोई महंगी गाड़ी लेके तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन अब घटना होने को रहता है, घट जाती है, लेकिन हम लोग भी शासन के तरफ से इसमें कड़ाई कर रहे हैं कि पिकअप वगैरह में लोगों को मतलब ढोने का काम नहीं करें।